हम अभी खन्ना मार्केट आ चुके हैं जो कि फिर से नई दिल्ली विधानसभा में ही आता है, और कोशिश करते हैं यहाँ के लोगों से जानने की कि क्या उनके विचार हैं, क्या उनका ओपिनियन है, किसको वो सीएम देखना चाहते हैं। कम आप इस बार किसको वोट देना चाहेंगे? किसको? केजरीवाल को। वो हमारा करते कह रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ काम करा हमारे लिए, करते करते बेचारे वोट कैसे रहे हैं? कैसे? हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट आदमी हैं। गवर्नमेंट वाले ही वोट देते हैं? हाँ, नहीं देते तो गवर्नमेंट वाले ही हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ, जो पब्लिक की तरफ देख के वोट है यहाँ पर सबको। सुन जाओ, आप बोल रहे हैं, मुझे बोलो। एक जगह एक बोल, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा करा। इनको गवर्नमेंट सर्वेंट आदमी है हम, और हमने तो देखो गवर्नमेंट, हमें डीए मिल जाए, महंगाई भत्ता मिल जाए, हमारे को स्वास्थ्य सेवाएं जो है मिल रही हैं ये टाइम पे मिलती रहें, और गरीब आदमी गरीब तबके हैं जो सरकार को मजबूती से ईमानदारी से चला सके। हालांकि ईमानदारी से सरकार कोई नहीं चला सकता, ना तो केजरीवाल चला सकता, ना ही तुम्हारे सोनिया चला सकती, ना ही तुम्हारा ये मोदी जी चला सकता, समझे जी। आप वोट किसे देंगे? वोट तो कट्टर, हम तो कांग्रेसी हैं, वैसे हमने तो कांग्रेस को ही देना है। 10% डीए हमारे को देती आ रही है। अब बीजेपी आई है, मोदी जी बैठे, इन्होंने 7% डीए दिया है, अभी वो भी डिक्लेयर ढंग से नहीं करा हमारे को। गरीब आदमी है, अपना करके खाना में, और जो भी गवर्नमेंट आएगी, समझे। आप किसको वोट दे रहे हैं? हम जी केजरीवाल को वोट देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। पहले से इतना भ्रष्टाचार देख रहे हैं, महिला सुरक्षा उसमें भी देख रहे हैं, कहीं ऐसा लगता ही नहीं है। ये लोग पैसा इतना खर्च कर देते हैं रैलियों में कि गरीब आदमी तक कुछ नहीं ध्यान देते हैं ये लोग, इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। 49 दिन में कोई फ़र्क पड़ा था? बहुत फ़र्क पड़ता। मोबाइल को हथियार बनाया था केजरीवाल जी ने, बनाया था, तो उसके विषय में कोई नहीं जानता था मोबाइल को क्या कहा जाता है, सिर्फ ये जानते थे कि फ़ोन होएगा उससे। मगर उन्होंने ये कह दिया था कि अगर कोई भी आपसे भ्रष्टाचार या पैसा लेता है उसको, उसका वीडियो बनाओ और मेरे को फैक्स करो, मैं उसको एक्शन लूँगा। आप किसको वोट दे रहे हैं? वैसे तो फिलहाल हमने कांग्रेस को ही वोट दिया हमेशा, जब से हमें वोट डालने की मंजूरी दी है। इस बार हम कांग्रेस को ही वोट देंगे अपना। सारी कांग्रेस? कांग्रेस को ही देंगे। अच्छा, जब पहली बार दिल्ली इलेक्शन हुआ था जी, तो लोग कहते थे कि आम आदमी पार्टी को वोट देके आप वोट बर्बाद करोगे जी। अभी ये कह रहे हैं कि आप कांग्रेस को वोट देके बर्बाद करोगे, क्यों बर्बाद कर रहे हो? वोट तो बर्बाद कांग्रेस केजरीवाल जी को भी देकर हुआ है, 39 दिनों में क्या कराऊंगा। आपको लगता है कांग्रेस पावर में आएगी? कांग्रेस पावर में आनी चाहिए, कांग्रेस फिर भी ठीक है। You are from here only? I am from... आप किसे वोट दे रहे हैं? आम आदमी पार्टी। क्यों? एक्चुअली मैं बीजेपी से नाराज़गी इस बात की है कि जब उन्होंने चुनावी मुद्दा बनाया था तो उन्होंने कहा था 100 दिन के अंदर काला धन वापस लाएंगे, और काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो अभी तक वो लगा नहीं, वो चुनावी मुद्दा बना के उन्होंने छोड़ दिया उसे, बस चुनाव तक वोट लेने के लिए उन्होंने ये बात की थी। अच्छा, तो आप पहले बीजेपी सपोर्टर थे लेकिन yes. अच्छा, मैं अब तक जो सुनने में वो ये कि मैं पहले केजरीवाल सपोर्टर था, बीजेपी, आज ही उल्टा सुनने को मिलता है। मेरा अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है अपना, मेरा यही है। अच्छा, तो 49 दिन में कोई फर्क देखने को मिला आपको? दिखाता मुझे, काफ़ी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें देखने को थी जो उस पर काफ़ी सही दिखा था मुझे। ऑटो का किराया काफ़ी सस्ता लगता था उस टाइम, और हर कोई मीटर से चलने को तैयार था, और अभी प्रेजेंट सिनेरियो में भी कोई मीटर से चलने को जल्दी तैयार नहीं होता। आप इस बार किसे वोट दे रहे हैं? मोदी तो यहाँ पे लड़ने आएंगे नहीं। अच्छा। तो अगर बीजेपी को देना है तो बीजेपी किसने दिया जाए? बीजेपी ने कहा कि काला धन ले आएंगे, वो सब चीज़ें ले आएंगे। अब यहाँ पे कोई लीडर चाहिए, इनके पास अगर फेस है ही नहीं, इनको बाहर से फेस लाना पड़ा, तो मेरे हिसाब से तो इस टाइम आम आदमी पार्टी हुई है, कम से कम उसका छाप छवि तो है उसके पास। तो किरण बेदी की साफ छवि नहीं है? किरण बेदी की साफ छवि है, लेकिन वो जो उनके मुद्दे थे वो साफ नहीं है। वो उनके अब इस ड्यूल नेचर फेस हो गया ना उनका, अब उनके पास गुटबाजी है यहाँ पे। अभी मैं इस जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में दो चीज़ों से आदमी जीतता है, गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ जो इस टाइम खफा हैं, क्योंकि 50% मर्ज का जो प्रावधान था उन्होंने जनवरी 2014 में पास कर दिया था कांग्रेस ने, वो अभी तक आया नहीं। और वाल्मीकि समाज, वाल्मीकि समाज का पूरा वोट जो वोट बैंक जाएगा वो आम आदमी पार्टी को जाएगा, जो अभी लास्ट इलेक्शन में गया है। तो दो पार्टी का जो मोटिव है, बचे प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं कितने साउथ इस जगह सेंट्रल दिल्ली में, तो यहाँ पे पूरा इलेक्शन जो है केजरीवाल की तरफ जा रहा है। काफ़ी जागरूक लगते हैं आप घर से।
नहीं, जागरूक वाली बात नहीं है। आप लोग तो पहले निकल गए, आपको कहना नहीं चाहेंगे? सेम, चलो थैंक यू। अच्छा, यहाँ पीछे मुझे काफ़ी, हाँ जी, मैं आपकी बहुत बढ़िया बाइक दिलवाता हूँ, इधर आ जाओ। अच्छा, इनसे इनसे बात कर लो ना, पीछे बार बार ये मुझे मांगे दिल्ली दिल से का गाना चल रहा है, प्रमोशन लगातार चल रहा है आम आदमी पार्टी का, पीछे हमें कांग्रेस का भी सुनाई दे रहा था। यहाँ कुछ महिलाएँ बैठी है, बात करने की कोशिश करते हैं। आंटी जी, इस बार किसको वोट दे रही हैं आप? हाँ जी, किसको वोट देंगी आप इस बार? भैया देखो, कोई देंगे, केजरीवाल को ही देंगे वोट, किसमें बोलने से देंगे आप? नहीं नहीं, हमने देना, ये नाम नहीं पता होता। अच्छा, हमें सारी परेशानी है, बिजली का बिल है, ये इतना इतना भेजते हैं। वोट में कोई फर्क पड़ा था? हाँ हाँ, पहले पड़ा था, उसके बाद फिर बढ़ गया सब, फिर बढ़ गया। अब केजरीवाल आएगा तो हो सके कुछ सुविधा हमारे लिए करे, गरीब लोगों के लिए। केजरीवाल करे कोई भी सीट पर, वो भी सही है। वैसे किरण बेदी भी ठीक है, किरण बेदी ठीक नहीं है, वो पहले हमारी तरफ थी, केजरीवाल के बाद धोखा दे के चली गई, बिक गई है किरण बेदी। हम बोल रहे हैं वो पल्ला पलट गई है, बिक गई है वो, हाँ बिक गई है। नहीं ऐसा है, देखो वोट तो सबकी जितनी आनी आनी है, वो किस्मत है, जिस किसी की लड़ाई लड़ेगी। पर जो भी जब केजरीवाल अपनी सीट पे आए थे, उन्होंने सारी वैकेंसियां खोली है, बिजली के बिल भी कम करवाए थे, पानी भी मिला था, बहुत अच्छे काम करे थे उन्होंने। केजरीवाल पब्लिक उसकी तरफ टूट रही है, आना चाहिए मैडम, बस वो हमारे पानी बत्ती का बिल सबका उन्होंने आधा कर दिया था, और अभी भी गरीबों के बारे में सोचेंगे, वो वैकेंसियां खोलेंगे, गरीब आदमी की रोटी रोजगार खोलेंगे, जो बच्चे लड़के वगैरह खाली घूम रहे हैं। और केजरीवाल ही आने चाहिए, और आ गए हमारे मुंह से यही वो है, किरण बेदी नहीं आनी चाहिए, ना मोदी आना चाहिए, दोनों में से कोई नहीं आएगा। केजरीवाल आएगा। बिजली के बिल बहुत हो रहे बेटा, मेरा ना किस्त देंगे हम तो, ये तो हमारा अपना पर्सनल मैटर है, हम क्या किसको देंगे किसको नहीं देंगे, पता ना किसको देंगे, पता नहीं उसी को देंगे। हाँ। हम तो पिछली बार भी भैया, मैडम जो कुछ कहना चाहते हैं सही बात है, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हमें लगता है ये कांग्रेस ने 15 साल बहुत काम किया है, और यहाँ पे कांग्रेस को मैं दूंगी। एक मिनट रुको। हाँ बताइए। हमें लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस ने बहुत काम किया है दिल्ली में 15 साल, और कांग्रेस को ही वोट देना चाहिए, मैं कांग्रेस को दूंगी। अच्छा, आप कांग्रेस को वोट दोगे, तो आपको ये अभी जब पहले चुनाव हुए थे दिल्ली विधानसभा के, तो लोग कहते थे कि आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो वोट कटुआ बन जाएंगे, ये तो इस बार तो अभी माहौल ऐसा है कि कांग्रेस कहीं पिक्चर में नहीं है, फिर भी आप वोट देंगे? जी जी, वोट बेकार होंगे आपके? नहीं नहीं, हमें लगता है कि केजरीवाल जी अब की बार जो उन्होंने छोड़ दिया था, तो उसका उनको नुकसान होगा। अच्छा, आपको उम्मीद है कि कांग्रेस भी आ सकती है? जी जी, कांग्रेस भी आ सकती है। चलिए ठीक है। अनोखी बात है कि चांदनी चौक और कृष्णा नगर के जो ओपिनियन पोल थे, पूरे दिन में हमें एक कांग्रेस सपोर्टर मिला था, यहाँ तो कम से कम 3-4 तो मिले गए। कांग्रेस थोड़ा सा खुश हो सकती है। आगे मिलते हैं, बात करते हैं, ये एक बाबा जी बैठे हैं यहाँ पे, इनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्कार जी। इस बार आप किसको वोट देना चाहते हैं? भाई वो तो टाइम बताएगा भाई किसको वोट देंगे, बस तो उस टाइम अब कैसे किसको बता दें, जो टाइम पे आपको लग रहा होगा कोई अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा, केजरीवाल की किरण बेदी की अजय बाकर ने, किसको सेल देना चाहते हैं? भाई वो हमारा ये बाबू खड़ा है उसका बात कर रहा है, आपका वोट फिर से वही देंगे। हाँ क्या चीज, वोट कह रहे किसको? सर्वे कहाँ बाबू कब बैठे वोटिंग किसको वोट दिया इस बार? आम आदमी, नई सोच नई उम्मीद, उम्मीदें लगाए बैठे उनसे। ये तो भाजपा का स्लोगन है, नई सोच, पता नहीं क्या क्या भाई साहब, वो तो उनका अपनी सोच है, लेकिन जो नई सोच लेके आए वाकई में केजरीवाल जी है। केजरीवाल जी से काफ़ी सारी उम्मीद है, क्योंकि इन्होंने पहले भी 39 दिनों में काफ़ी दिल्ली के अच्छे अच्छे काम करे हैं, जैसे बिजली वगैरह के रेट भी काफ़ी कम हुए हैं, पानी वगैरह की काफ़ी सुविधा करी है, और उनसे काफ़ी उम्मीदें लगा रखी हैं दिल्ली ने। आप किसको वोट दे रहे हैं?
डिसाइड करेंगे भी किसको देना है किसको नहीं, देख रहे हैं अभी तो सबकी बात, हाँ तो देख रहे हैं ना अभी तो कौन क्या कर रहा है क्या नहीं करता। तो भाई का जो जवाब है वही चीज़ हमारे साथ है, जो भाई को पसंद है वो हमें पसंद है। अरविंद जी बिल्कुल वही पसंद, वही पसंद है, परिवार हमारा एक ही है, परिवार पूरा परिवार एक। पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत ऐसी न्यूज आई थी कि एक ही परिवार के लोगों में लड़ाई होती थी कि मैं आम आदमी पार्टी को दूंगा, मैं भाजपा को नहीं, वो ही होगी, तो हम पे देंगे सब केजरीवाल। चलिए ठीक है, पूरी कॉलोनी केजरीवाल का नाम लेगी भाई, उन्होंने शायद ऐसे काम करे शायद इसलिए लोग कहीं ना कहीं कोई बात है ना उनके प्रति। अच्छा पीछे जो हालत है, हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे मैंने सुना है डस्टबिन ये सबकी प्रॉब्लम है काफी, वो ठीक हुई है? नहीं नहीं, दरअसल यहाँ कॉलोनी थी, यहाँ ये कॉलोनियाँ बनी हुई थी, जो मकान भी दिख रहे होंगे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो तोड़ के इन्होंने बनाने का कुछ वो कराया सिस्टम वाजी, तो मतलब अंडर प्रोसेस है। हाँ अभी काम चल रहा है, बाकी एक तो काम इन्होंने बिल्डिंग तो बना दी वहाँ अपनी, इन्होंने मल्टी स्टोरी एक मल्टी स्टोरी इनकी यहाँ बनेगी बिल्डिंग सेंटर की, मतलब है बनाएगा बाकी। ओके कब दिखाएंगे गवर्नमेंट सर्वेंट है हमारे। मेरा तो मतलब क्या है कि मैं कांग्रेस को अधिक पसंद करता हूँ, इसलिए कि उन्होंने हमें 10% महंगाई भत्ता दिया, अगर वो सत्ता में होते तो कम से कम वो आज 12 या 13% हमें देते। अच्छा। मोदी सरकार ने 2% ही दिया, क्या दिया। अच्छा तो आपको लगता है कि अभी जैसा माहौल बना हुआ है कांग्रेस, अब माहौल जो है ये नहीं कह सकते कि कौन आता है कौन नहीं आता, आप भी अपना सुझाव दें, लेकिन आप कांग्रेस के साथ जाओगे। चुनाव प्रचार जारी है, आप आवाज सुन सकते हैं चारों ओर से, कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी की आवाज आ ही रही है। और ये कोर रेजिडेंशियल इलाका है नई दिल्ली का, यहाँ से जो आपको ओपिनियन मिल रहे हैं ये बहुत कुछ बताएंगे। फोटो नहीं, हम लोग कुछ पूछ रहे हैं, आप लोग इस बार किसको वोट देंगे? हमारे नहीं, आपका वोट वो थोड़ा देंगे, आप किसको दे रही है बताएं, मैं उनसे ही पूछूंगा। भैया आप किसके पास, तुम बताओ किसके पास हो? हम नहीं बता सकते हम किसके पास, तो हम क्यों बता देंगे वोट किसको दे रहे हैं, जिसको हमारा दिल आएगा हम उसको देंगे वोट। ये बोलो ना, हम कैमरा वाले तो हम नहीं बोलते, ऐसे आप नहीं बोलते, हम तो भैया दिल आएगा ना उसको दे सकते हम भी, ये बोलो केजरीवाल को देंगे हम तो, झाड़ू वाले को देंगे हम तो वोट। हाँ तो बोल भैया, झाड़ू वाले जो गरीबों की सोचता है उसको देंगे हम, ऐसा थोड़ा ना देंगे, दुनिया कर रही है, अरे फटा फटा मोदी को दुनिया घूमने घूमने दो, नहीं भैया हम तो उसको ही देंगे वोट, झाड़ू वाले को देंगे जी, झाड़ू वाले को, झाड़ू। नुपुर शर्मा का प्रमोशन चल रहा है यहाँ पर, और इनके साइड में लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, कमाल है। खैर आप कुछ कहना चाहती हैं? क्या कहूँ बताओ, केजरीवाल को देंगे और के बिल्कुल पक्का है, पूरी पब्लिक यहाँ पे केजरीवाल की है। चलो बढ़िया, थैंक यू। नमस्ते अंकल जी, इस बार आप किसको सीएम देखना चाहते हैं? देखी जाती जो भी आएगा, कोई तय नहीं किया है? कोई तय नहीं किया किसको वोट देंगे, किस बार जो भी आ गया देखी जाती वोट, हमारी इलेक्शन में गाड़ी पकड़ी किसको देंगे, देने नहीं देंगे वो। अच्छा हाँ जी, नहीं मतलब कोई आपको लग रहा है कौन सा नेता अच्छा? अरविंद केजरीवाल, देखो शायद किरण बेदी, केजरीवाल बराबर दोनों की टक्कर है, किसकी, किरण बेदी और केजरीवाल की, दोनों की टक्कर बराबर में ही है। आपके हिसाब से कौन लगता है किसको, अगर आपको बोलूं मैं कि किसी एक को चुनो फिर किसको चुनोगे? देखो जो आनी चाहिए सूझबान मेरे हिसाब से तो किरण बेदी आ जाए, वो अच्छा है, वो दिल्ली का काम भी होएगा। थैंक यू। नमस्ते आंटी जी, आंटी जी इस बार इलेक्शन में किसे वोट दे रही हैं आप? मैं आना ही नहीं चाहती पिक्चर में, आई एम रियली वेरी सॉरी। आप से पूछेंगे आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, मैं भी उसी को सपोर्ट करना चाहूंगी ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने बेशक खुल के बोली है, देखिए वजह क्या है प्लीज।
नहीं आंटी आने तो चाहोगे? माइक देख के बोलिए। नहीं मुझे माइक देख के मैं बोल सकती हूँ, कैमरा मत मेरे फेस पे रखिए प्लीज। तो क्या कैमरा कहीं और, आप माइक देख के बोलिए। एक्चुअली क्या है, लास्ट टाइम इन्होंने ज़रूर गलतियाँ की हैं, पर इस बार मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा गलती करेंगे, क्योंकि वो सुधार करेंगे, उसमें अपनी गलतियों को सुधारेंगे। राइट, तो आप उनको एक बार और मौका देना चाहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज़रूर चाहती हूँ, और शायद जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने की भी कोशिश करेंगे। अभी एक्चुअली क्या हो रहा है, बीजेपी ने क्या किया है, आपको बीजेपी क्या कर रही है, सफाई अभियान शुरुआत तो केजरीवाल जी के टाइम की हुई है, बीजेपी ने नया क्या किया है ये बताइए ना। उल्टा बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स तो और मुश्किल में पड़ जाते हैं। बेशक टाइम बहुत सही किया हुआ है, लेकिन सिस्टम तो सुधरा नहीं अभी भी। सर बस वही थोड़ा सा दिल्ली का सुधार हो जाएगा जी, बिल्कुल, जैसे पानी बिजली गया, मिडिल क्लास के लिए बेनिफिट है सर इस चीज़ का। ओके सर, सर कब आएगा दिखा दो, आपको बता देंगे वापस आते टाइम। अंदर अगर कुछ लोग हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक बुज़ुर्ग है, इनसे पूछते हैं कि ये किसको वोट देंगे, अगर ये बताना चाहे तो। नमस्ते अंकल जी, आप वोट देते हैं यहाँ पर? हाँ जी, वोट देते हैं आप? वोट डालते हैं आप? हाँ। किसको वोट देंगे इस बार? हम तो उसको देंगे जी, केजरीवाल। केजरीवाल कौन है? केजरीवाल को। हाँ जी, तो 49 दिन में कुछ अच्छा काम किया था उन्होंने? हैं, ये कोई काम वाम का तो पता लगेगा ना क्या करेगा जी, लेकिन वोट उसी को। हाँ, आप किसको वोट दे रही हैं इस बार? No idea. नहीं। आपका वोटर आईडी है यहाँ पर? नहीं अभी नहीं है, एक्चुअली मेरी शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा, बनवाना है यहाँ का वोटर आईडी जी। थैंक यू। सामने कुछ युवा लोग तो दिख रहे हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं कि बात करेंगे या नहीं। हेलो सर जी, इस बार किसको वोट देने का इरादा है? बीजेपी। बीजेपी क्यों? क्योंकि रिसेंटली जिस तरह का नरेंद्र मोदी का काम ऑल ओवर रहा है इंडिया में, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम पर भी वो दिल्ली में डेवलपमेंट में काफ़ी काम करवा सकते हैं। सीएम। हाँ मैं समझ रहा हूँ आप कानपुर के बोलने, और क्या नाम है उनका, किरण बेदी से हमें काफ़ी उम्मीद है कि वो डेवलपमेंट में और करप्शन को कम करने में काफ़ी हद तक कारगर हो सकती हैं। आप क्या सोचते हैं? भैया वोट नहीं है हमारा तो। कितने साल से दिल्ली में हो? काफ़ी टाइम से, बनवाया नहीं था हमने। क्यों? ऐसे ही बस मिल टाइम ही मिलता था ना, कहीं जाने का ऑफिस चले जाते। सर किसे वोट दे रहे हैं आप? सर बीजेपी। बीजेपी क्यों? सर मोदी जी का विकास नहीं दिल्ली में। दिल्ली में तो सर अब आज तक बीजेपी आप देख रहे हैं 15 साल से कांग्रेस ही है, तो कांग्रेस ने तो हमारे यानी कि मीडियम क्लास के लिए कुछ किया नहीं। अब जैसे पीछे वो कह रहे थे कि बीजेपी ने मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया। सर देखो सबकी राय है, मेरी राय कुछ है, भाई साहब की कुछ, आपकी भी कुछ और ही होगी, लेकिन सोच अपनी है, लेकिन मेरी जो सोच है वो यही है। आप बीजेपी के साथ हैं? आप बीजेपी के साथ। पीछे भाजपा के सपोर्ट में ऑटो में अनाउंसमेंट चल रही है, आइए एक बार बात करके देखते हैं कि ऑटो वाले क्या कहते हैं। कानून की पढ़ाई नूपुर शर्मा खान की आई, लड़ेगी आपकी हर लड़ाई। मैं आपके बीच की लड़की हूँ, यहीं की पैदाइश हूँ, यहीं पे पली बड़ी और अभी तक यहीं रहती हूँ। अगर आपका काम होगा, दुख सुख होगा आपके साथ। कितने दिन से प्रमोट कर रहे हो भाजपा को? युवा एवं भाजपा को तो दिल से ही कर रहे हैं, दिल से सपोर्ट करते हो। काम यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो दुखी होते हो जाएंगे ना आप, तो अच्छा माहौल है। और जो शौच की हम बात करते हैं, महिलाएं फील्ड में जाके अपने आप को रिलीव करती हैं, लेकिन यहाँ पे भी शौच नहीं, और अगर पार्टनर नहीं हो तो नहीं जीतेगी बीजेपी। सीएम तो किरण बेदी होगी। नई दिल्ली को सबक सिखाती है, सीख कर देंगे पूरी दिल्ली। जो भी करेंगे भैया तो करेंगे, पर लेकिन जीतेंगे तो बीजेपी। सांसद यहाँ पे है नहीं, एमसीडी यहाँ है नहीं, तो सबसे लोकल नेता विधायक होता है, सिर्फ जीत पे करो के हाथ घुमाने के लिए नहीं। यहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं, यहाँ पे आखिरी कोशिश करते हैं बात करने की।
कुछ ज़्यादा ही बिजी लग रहे हैं ये लोग। अच्छा, अंडे का मार्केट है। नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं? ठीक है जी। इस बार आप किसको वोट देने की सोच रहे हैं? अभी माइंड बना नहीं है, एक्चुअली में कन्फ्यूजन बड़ा है। तो 5 दिन रह गए। कन्फ्यूजन ये है कि अभी यही नहीं पता लग रहा कि कोई कैंडिडेट तो आया नहीं। पिछली बार जो जीते थे वो भी कैंडिडेट नहीं आए। कभी आते हैं, मिलते जुलते हैं। अब लास्ट टाइम अरविंद केजरीवाल जी जीते थे, वो आए ही नहीं, अभी तक नहीं आए। भाई एक बार पहले पदयात्रा हुई थी। नहीं, पदयात्रा हुई थी तो वो इसी टाइम में आए ना, इन बिटवीन 5-6 महीने, जब तो 7-8 महीने इतना बड़ा टाइम था, उसमें वो आए नहीं। अब आएंगे तो फिर देखेंगे। आज आना है उन्होंने, आज माइंड चेंज होगा या वो चलेगा या जैसे होगा। आज यहाँ पे कहाँ? आज उनकी यहीं पर कोई रैली है, अभी आएंगे यहाँ पर, कह रहे हैं यहाँ पर लोग बता रहे थे। तो जैसे मिलते मिलते रहता है ना बंदा तो फिर और बात होती है। आपको क्या लगता है इन दिनों में अगर आपकी कोई समस्या थी तो उसका समाधान करवा? नहीं हुआ ना अभी, वो तो गवर्नमेंट भी नहीं थी और उसके बाद में ये 8 महीने में तो कोई MLA हमारा आया ही नहीं कि चलो एक शुक्रिया अदा करने बंदा आया था, एक पब्लिक मीटिंग रख लेता है कि भाई वोटर से मेरे को सपोर्ट दी थी, 25-26 हज़ार वोटों से जिताया एक्स्ट्रा वोट देकर, तो फिर बंदा आता है एक बार शुक्रिया अदा करने, वो आए नहीं। फिर भी गिले शिकवे अभी दूर हो जाएंगे अभी जब आएंगे तो। तो माइंड अभी मेकअप नहीं है। हाँ, आने के बाद में, आने के बाद में शायद देखो इम्प्रेस हो सकते हैं, ऐसी भी बात। ओके जी, थैंक यू। अच्छी बात है कि आप नेता को सुनने के बाद माइंड बनाएंगे। नहीं नहीं, मतलब वही बात है ना कि आए नहीं ना पहले, अगर मिलते रहते हैं तो फिर तो आ जाता है बंदा, तो फिर हो जाती है बात। आपस में थोड़ा मिलते जुलते रहो तो फिर एक ट्रैक वैसा ही रहता है जैसे पिछली बार था। ओके ओके। नई दिल्ली विधानसभा के कुछ अलग अलग मूड हमने देखे। सरोजनी नगर में हमने कोशिश की सुबह सुबह जाकर शूट करने की, क्योंकि अभी के टाइम जो वहाँ भीड़ होगी वो पूरी दिल्ली से होगी, वो कोर सरोजनी नगर की नहीं होगी। सुबह सुबह जो दुकानदार होते हैं वो लोग नई दिल्ली विधानसभा के ही थे, तो हमने इसलिए जानने की कोशिश की। यहाँ हमने कुछ रेजिडेंशियल लोगों से ये पूछा जो यहीं पर रहते हैं, उनका यहाँ पे अगर रुझान देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अव्वल ही हैं। कांग्रेस के एक सुखद अनुभव रहा कि यहाँ से हमें कम से कम 3-4 लोग तो ऐसे मिले जो अब भी कांग्रेस में भरोसा रख रहे हैं। अच्छा है राजनीति में और डेमोक्रेसी में कोई एक पार्टी चलती रहे, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग हमने देखे जिनके वोट नहीं बन पाए, चाहे कारण कुछ भी हो, 40-40 साल से वोट नहीं बन पाए हैं, तो उसके लिए कुछ रेमेडी हमें ढूंढनी चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए था कि उनके वोट बन जाते, क्योंकि इस बार तो वो वोट नहीं दे पाएंगे। मैं पवित्रा से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा साइड हो जाएं, पीछे गाड़ी जा रही है, हम बाधित ना करें कोई चीज़। तो मैं आपसे लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आज के ओपिनियन पोल के बाद आप मन बना सकते हैं कि नई दिल्ली विधानसभा में किसका जोर ज़्यादा है। आपको हमने जो वीडियो फुटेज दिखाई है वो रॉ फुटेज है, हमने कोई एडिट नहीं किया है। अगली बार किसी और नई विधानसभा में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, देखते रहिए इंडिया सेंट्रल।